अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का जो हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर आया है। तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत ज़्यादा मज़े का था आपका, वर्जन नंबर जो 1011 था। तो सब्जेक्टिव की हम बात कर लेते हैं। तो अगेन आप लोगों को इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वगैरह जो मॉडल पेपर थे इसमें एक चीज़ मैंने आपको अंडरस्टूड बताई थी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिलेटेड जिस बुक में भी आपके पास पहला चैप्टर है, इट इज़ डेडली इंपॉर्टेंट, इससे पैराग्राफ लाजमी आते होते हैं। तो अगेन वही काम हुआ, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ पैरल। तो बच्चे बोल रहे थे बुक, दूसरी बुक का आप नहीं करा रहे, केपीके बलोचिस्तान। तो मैंने उन फजूल चीज़ों को छेड़ा ही नहीं, मैंने आप लोगों को एक ही मॉडल पेपर से दिखाया जिसमें एग्जैक्टली आप लोगों के पास सेम चीज़ें थी। अच्छा, हम इस बात को अनपैरल्ड, अगेन आप लोगों को पता होगा अनपैरल्ड चाम है, इसका आपने मीनिंग लिखना था। इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस का मतलब यही होता है कि आप किसी जो मतलब इग्नोरेंस से यही मुराद है कि आप उसका शिकार हैं। उसको क्या कहते हैं यार, इसमें यही आप हकीकत जो आपके पास यकीन है, बेयकीनी को इग्नोरेंस से एक तरह से आप कह सकते हो। इसके बाद अनपैरल चार्म का मतलब है कि इसके जो सैंड ड्यूज थे पैरल नहीं थे आपस में, जो खूबसूरती थी रेत के जो डलवान थे वो ऊपर नीचे थे, इसका ये मतलब है। इसके बाद अगर हम आए तो ओवरफ्लोइंग का मतलब है कोई चीज़ ओवरफ्लो कर रही है, जिस तरह आपका टैंक वाटर टैंक ओवरफ्लो करता है, मतलब उसमें ओवर नॉलेज आ गई है कुछ भी। कॉम्पैशन, प्रोफाउंड कॉम्पैशन फॉर ह्यूमैनिटी, कॉम्पैशन आप लव को भी कह सकते हैं या केयर को भी कह सकते हैं। बेस्टोर्ड का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास भरा हुआ। इसके बाद जो कन्वेड है, अगेन मैसेज कन्वे करना। उसके बाद अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें हमारे पास क्या था कि समरी थी। उसके बाद रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ मक्का फॉर मुस्लिम, तो ये आप लोगों ने थोड़ा मेरे ख्याल से अपने पास से लिखना था क्योंकि वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, ये आपने लिखना था। इट वाज़ अ लैंड ऑफ होली प्रॉफिट, ये यहाँ से आप लोगों ने लिखना था। तो उसके बाद केव ऑफ फेरा वाज़ फेमस फॉर, तो केव ऑफ फेरा ये है जी वैन हज़रत मोहम्मद से, यहाँ से लेकर आप लोगों ने लिखना था इसलिए वो फेमस थी। इसके बाद आप लोगों का व्हाट वाज़ द कंडीशन ऑफ मैन काइंड, तो मैन काइंड वाज़ ऑन वर्ज ऑफ क्योस, अभी मुझे याद है ये वर्डिंग कहीं इधर लिखी होगी तो ये इधर होगी। अच्छा, आदान पर ये इन फिफ्थ सिक्स सेंचुरी मैन वर्ड स्टूड ऑन वर्ज ऑफ क्योस, तो ये पहला चैप्टर पढ़ा पढ़ा के ये बहुत ज़्यादा हमें काफ़ी ज़्यादा याद था। इसके बाद हमारे पास मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड एनी थ्री को इसी तीन के देने थे, आप लोगों को इन्होंने तीन चार पाँच दे दिए थे, गुड। उसके बाद हमारे पास पैराफ्रेज आए थे, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये हॉर्स वाला कर लो, माई हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ये स्टॉपिंग वाई वुड, और मैंने आपको दो वही दोनों बोली थी, इसके अलावा मैंने बोला था कोई ना करो। इसके बाद जो ये वाली और वाली थी आई डोंट थिंक सो, मैंने आप लोगों को बताई लेकिन दिस वाज माय फेवरेट वन। इसके बाद इसमें हमने क्वेश्चन देने थे, क्वेश्चन अगेन मैंने आप लोगों के साथ शेयर सारे किए हुए थे सब्जेक्टिव में। फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को इधर पूछा गया है, सिमिली पर्सोनिफिकेशन मैंने आप लोगों से बोला था कि वो पूछेगा। इसके बाद हाउ डज़ पोइट फील इन द कंपनी ऑफ डेफोडिल, वो बहुत खुश हुआ उनको देखता रहा और खुशी की उसकी इंतहा नहीं थी। राइम स्कीम अगेन मैंने आप लोगों को वीडियो बनाई थी और बोला था आएगा, मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड आया और वेल्थ जो भी पोइट को मिली डेफोडिल से। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पैराफ्रेजिंग भी अच्छी आ गई थी। अच्छा, इसके बाद जो माय मोस्ट फेवरेट आती है, एक मिनट मैं इसको ये इधर लगा लूँ, तो ये मोस्ट फेवरेट जो मेरा स्टेंजा था ये था द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप, ये भी मैंने कल आपको इंपॉर्टेंट में मार्क कराया था। और अगेन इसके पास पोएटिक डिवाइस वाला क्वेश्चन आ चुका है, वाई डज़ नॉट पोएट स्टॉप फॉर लॉन्ग, अगेन इसका आंसर भी मैंने आप लोगों को बताया था, राइम स्कीम भी बताई थी। उसके बाद रिपीटेड लास्ट लाइन, अगेन सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, अगर आप अभी भी मॉडल पेपर वाली वीडियो में चले जाओ सारे क्वेश्चन हमारे पास सेम है। अच्छा, पैसेज आ गया था पैसिव वॉइस वाला, तो यूज़र मैनुअल शुड बी रेड, इसका रेड ही होगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इट इज़ इंस्ट्रक्शन शुड बी फॉलोड बट केयर मस्ट बी टेकन वाइल द पार्ट्स आर असेंबल्ड, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट None of the step should be skipped or be considered insignificant. अच्छा, इसके बाद आप लोगों को इसमें थोड़ा उन्होंने बताया आगे सिंपल प्रेजेंट में इसको कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्यूचर में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में और इसी तरह फ्यूचर कॉन्टीन्यूस वगैरह में।
आप लोगों को करने हैं। और यहाँ पे आई थिंक सो पैसिव वॉइस नहीं थे ये इन्होंने थोड़ा बीच में आप लोगों को चेंज दे दिए, तो चेंज द अंडरलाइन वर्ब्स आई वॉन्ट्स सी द मैन ऑन द रोप, तो सा हो जाएगा सिंपली। आई ब्रिंग, इसको सिंपल फ्यूचर में करना है। आई बॉट माई कैमरा विद मी, नहीं आई विल ब्रिंग हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट है, शी सॉल्व्ड ओनली टू क्वेश्चन, और इसी तरह ये सारे, इनका मैं आप लोगों के साथ बाद में सॉल्व करके शेयर कर दूंगा। इसके बाद हमारे पास जो है पंक्चुएट था, पंक्चुएट में पहला आप लोगों को मैंने बोला था टेक्निक यही है, वर्ड कैपिटल कर लो। ब्रीथ देयर देयर द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड, सेड के आगे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने, दिस इज़ माई ऑन नेटिव लैंड, फुल स्टॉप लगाना था। और बाकी भी इसका मैं देखूंगा मज़ीद डिटेल में, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, अभी वीडियो बनाते हुए समझ नहीं लगती। इसी तरह हमारे पास ईमेल आप लोगों ने लिखना था, अगेन मैंने ईमेल वगैरह आप लोगों को ये नहीं बताए थे, सारे देखो आउट ऑफ वो सिलेबस आए हैं, जितने भी गैस आपने देखे होंगे कोई ये नहीं इसका गैस होता। एक सोशल मीडिया और थोड़े बहुत टॉपिक थे वो मैंने बताए थे, उनमें से कुछ भी नहीं आना था मुझे, अगेन पता था, इसीलिए आपके कहने के बावजूद मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया। अच्छा डायलॉग हमारे पास भी अगेन सारा वो आउट ऑफ वो आना था, तो ये भी इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया, ट्रांसलेशन अदरवाइज बताई थी लेकिन मैंने यही बोला था वो अपनी मर्ज़ी से देंगे। अवेयरनेस मैसेज कैन बी गिवन टू द मैसेज, अच्छा यहाँ पे पैराग्राफ हमारे पास एक स्पोर्टमैन स्पिरिट आया और एक फेवरेट बुक आई है, तो अगेन ये भी आउट ऑफ वो थे सारे। ये हमारे पास ईमेल जो था टेलिंग आर अबाउट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द पाकिस्तान, इसी तरह एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग एम आर फॉर फी कंसेशन, तो ये बहुत पुरानी एप्लीकेशन है, कौन नहीं लिख सकता। इसी तरह हमारे पास ये जो स्पोर्टमैन फेवरेट बुक के बारे में आपने कुछ ना कुछ लिख लिया होगा। ट्रांसलेशन में हमारे पास अवेयरनेस मैसेज कैन बी गिवन इन द मैसेज थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आगाही जो हमारे पास तालीम है वो सोशल मीडिया और अखबारात के ज़रिए दी जाए, मसलन रेडियो टीवी अखबारात। टीचर्स शुड आल्सो प्ले देयर पॉजिटिव रोल बाय इंफॉर्मिंग देयर स्टूडेंट अबाउट डेंगू डिजीज़ एंड अबाउट इट्स कंट्रोल, असातिज़ा को भी इसमें अहम किरदार अदा करना चाहिए कि बच्चों को डेंगी और नीचे क्या है डेंगी से बचने और डेंगी की मर्ज़ और इससे बचने की तदाबीर बताई जाएँ। इसके बाद आगे क्या आता है जी, द स्टूडेंट कैन सेपरेट देयर मैसेज टू देयर होम एंड फैमिली मेम्बर ऑफ लोकेलिटी, बच्चों को भी अपने घर वालों और इन सब मोहल्लेदारों को क्या करना चाहिए इसकी तालीम या आगाही देनी चाहिए। खतीब द मैसेज और सेपरेट दिस मैसेज अमंग पीपल थ्रू देयर सरमन, इमाम मस्जिद या खतीब को भी उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को आगाह करे मजालिस इकट्ठे करके। मार्केट कमेटीज़ एंड यूनियन कैन आल्सो भी हेल्पफुल, मार्केटों में कमेटियाँ और जो यूनियन है उनको भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अच्छा यहाँ पे इसका भी इतना कुछ नहीं यार, किसी की अपनी अपनी उर्दू होती है। डायलॉग जो था डिस्कस द डेंजर ऑफ वन व्हीलिंग था। सिक्स सेट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब एक्सक्लूडिंग ग्रीटिंग का मैंने आप लोगों को गेन बताया था कि दुआ सलाम वाले के बाद अस्सलाम वालेकुम, उसने वालेकुम सलाम कहा, हाउ आर यू, आई एम फाइन। इसके अलावा आप लोग कम अज़ कम 6 या 8 आपके पास मैंने कहा था मैसेज होने चाहिए, तो यहाँ पे एक अली बना लो एक अहमद बना लो। उसने कहा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो उसने कहा टुडे आई वाज कमिंग एंड आई सॉ एक्सीडेंट, हॉरिबल एक्सीडेंट, ही वाज डूइंग वन व्हीलिंग, ओ माय गॉड व्हाट आर यू सेइंग। तो उसने आगे से बोला कि या इट इज़ अ वेरी डेंजरस हैबिट और जो भी उनका शौक है, इट शुड बी बैंड एंड पब्लिक शुड बी एजुकेटेड थ्रू सोशल मीडिया टू अवॉइड दिस थिंग्स, इट इज़ अ डेथ रेस। उसके बाद आपने लिखना था कि स्पीडिंग थ्रिल्स बट किल्स, इसी तरह इसमें मर्चे मसाले आपने डाल के 6 नंबर अपने पूरे सिक्योर करने थे। उम्मीद है आप लोगों को पेपर अच्छा लगा होगा, एक बार मैं दोबारा आप लोगों को ऊपर से लेकर नीचे तक पेपर को दिखा देता हूँ। कुछ बच्चों ने यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट लेना होता है, ये क्वेश्चंस हैं आपके, ये हमारे पास पूरे का पूरा सेक्शन सी है, और आप लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि पेपर आपको कैसा लगा आज का और पेपर के बारे में आपकी क्या राय है, आप लोगों ने ये लाजमी बताना है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो पेपर ठीक था, अच्छा पेपर था, आप लोगों को पैराग्राफ भी आसान मिल गया और बाकी ऑब्जेक्टिव वाज वेरी वेरी इजी। तो इसको देख लो, यहाँ पे ये है हमारे पास पैराग्राफ, ये हैं उसके आंसर्स,
पैराफ्रेजिंग भी बड़े मज़े की थी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हमारे पास अच्छे थे। तो आप लोगों ने अपनी राय का इजहार करना है, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखना, नीचे ये भी बताना है आपके कितने मार्क्स आएंगे और आप लोगों को पेपर कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।